السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आपका भाई आपका खादी आसिफ मलिक अर्ज़ कर रहा हूँ मक्का मुकर्रमा से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे, सेहत ईमान वाली ज़िंदगी दें। आप सब से दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है और आप सब के लिए भी दिल से जो यहाँ दुआएँ लिख रहे हैं सबकी दुआओं पर आमीन। आप यहाँ दुआएं लिखें, मैं आमीन बोलूँगा, ठीक है। मैं सफ़ा मरवा में हूँ। सफ़ा मरवा वो मकाम है जहाँ पे अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम की तड़प, उनकी फिक्र और उनके इस शराब की हालत पर अल्लाह ने तर्स खाकर एक तो इस मकाम को कुरान पाक का हिस्सा बनाया, बहुत बड़ा शर्फ है, और जमजम जैसी नेमत से नवाजा, और शायर अल्लाह पाक के शायर निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी, और ऐसा रुकन इसके बगैर ना उमरा ना हज। तो इस मकाम पर जब भी दुआ को मांगे तो वो दुआ कबूल होती है। इस चीज़ को सामने रख के मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी दुआओं के लिखे मैं आमीन बोलूँगा। मैं आप ही लोगों के लिए लाइव आया हूँ यहाँ पर आपकी दुआओं के लिए, तो क्या पता आपकी दुआओं पर आमीन बोलने से अल्लाह पाक मेरे हाल पे भी रहम फरमा लें। बिस्मा खान मेरी बहन अल्लाह आपको नेक और साले औलाद से नवाज दिया। आप जो दुआ लिखेंगे मैं उस पर आमीन बोलूँगा, ठीक है। नाम भी लूँगा, अपना नाम मेंशन करें साथ में। आज मैं खुद अपने लिए दुआ नहीं मांग रहा, आपके लिए मांग रहा हूँ। आप बोलें जो भी दुआ है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुसैन आमीन सुमारीन समियान समैया समैयान माजरा चाहे तो अपना नाम मेंशन करें। आमीन आपकी दुआ पे आवाज। आमीन सुमारीन फातिमा इमरान। हदीस में आया जो कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो उसकी पीठ पीछे उसकी दुआ पर एक तो फरिश्तों की आमीन होती है और फरिश्ते अल्लाह से अर्ज़ करते हैं अल्लाह इसको भी इस जैसा अता कर। तो मैं आपकी दुआ पर आमीन बोलूँगा, अल्लाह मेरी भी परेशानियाँ दूर फरमाएंगे आपकी भी। परदीन खान आमीन सुमामीन आमीन सैयद नौज आमीन नाम मेंशन कर दे। शाहिद भाई अल्लाह खुश आबाद रखे यार, ईमान वाली ज़िंदगी दे। आना आना फरीद प्लीज़ नाम मेंशन कीजिए। अफशा हेयर मेरे लिए दुआ करे अल्लाह मुझे नेक हम सफ़र दे। आमीन सुमामीन। और सरकारी अल्लाह आपको सरकारी नौकरी दिलवाए जन्नत की। आमीन सुमामीन। दुनिया में सुरखरू रख के आखिरत में भी। अल्लाह से मेहनत मशक्क़त क्यों मांगते हो यार आप? मेहनत मशक्क़त ना मांगो मेरी बहनों भाइयों, नौकरी ज़रूर करनी है, बोलो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक ज़िंदगी दीजिए दुनिया में भी आखिर में। आमीन सुमामी। अल्लाह से मैं आपको दुआओं के मामले में एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए दुआ के मामले में
हम अपनी औकात को ना देखें, अल्लाह की ज़ात को देखें। हम अल्लाह से ना जो मांगते हैं ना, अपनी औकात को सामने रख के मांगते हैं, डर डर के, मरे हुए दिल से। उतना मांगेंगे जितनी हमारी हैसियत है। माजरत के साथ ये वर्ड यूज़ करूँ, इस वर्ड को यूज़ करने का मकसद बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी नहीं है, सिर्फ हकीकत से आगाह करना कि अल्लाह से मांगना कैसे है। आप किसी बादशाह के पास जाएं, किसी बादशाह के, दुनियावी बादशाह क्या, कुछ भी नहीं है, और उसने ऐलान किया हो कि आज जो मांगो तुम्हें मिलेगा। आप वहाँ जाके बोलें बादशाह सलामत एक साइकिल दे दें, बादशाह जूते भी मारेगा आपको, क्या क्या इसने मेरी इंसल्ट किया। और डर डर के मांगा, वही क्या मांगा, साइकिल। अल्लाह का हमारा मामला और है। अच्छा, समझ रहे हैं आप। हाँ, दुनियावी बादशाह ऐलान करे, आओ उससे जो मांगो मैं दूंगा, और आप वहाँ जाकर क्या कहें, बादशाह सलामत एक चप्पल दे दें, एक आध सूट दे दें, अमेरिका का वीज़ा लगवा दें। सोचने की बात है, बादशाह करवा देगा, उसके लिए मसला नहीं। लेकिन आपकी इस हालत पे हंसी आएगी उसको कि आज ये जो मांगता मैं इसको देता, इसने अपनी औकात देख के मुझसे वही वीज़ा मांगा, औकात दे के इसने मुझसे साइकिल मांगी, गाड़ी मांगी, बंगला मांगा, बीवी मांगी, अपने औकात को देखा। अगर ये मेरी शान को देखता तो मैं इसको सल्तनत भी दे देता, इसका दिल ही छोटा है। अल्लाह पाक से हमारा मामला कुछ ऐसा है, हम अल्लाह से मांगते दुनियावी आराज और उतना जितनी हमारी हैसियत है। अल्लाह से मांगे, अल्लाह की ज़ात को सामने रख के, अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह अकबर, सबसे बड़े बादशाहों के बादशाह, समझ रहे हैं आप, बादशाहों के बादशाह अल्लाह से मांग रहे हैं, किसी इंसान से नहीं। चौधरी साहब, मलिक साहब, पठान साहब, खान साहब, मिनिस्टर साहब, वजीर आजम, सदर साहब, इन टुट पूंजों से नहीं मांग रहे हैं। हम किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। भाई हैसियत, अल्लाह की शान, अपनी हैसियत नहीं, अल्लाह की शान को देखो, अल्लाह की ज़ात। अब मसला क्या है, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बना नहीं है मजबूत, हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक मजबूत नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अल्लाह पाक की बड़ाई से वाकिफ नहीं है। एक आम इंसान के साथ आपका कोई अच्छा तारुफ करवा दे, आप उस इंसान को सर आँखों पर रखते हो, यार ये बहुत अच्छा आदमी, इसके बारे में मैंने बहुत सुना। नहीं सुना तो अल्लाह के बारे में नहीं सुना। अल्लाह की बड़ाई के बारे में अगर हमें सही मायनों में इल्म होता, खुदा की कसम हम कभी ज़िंदगी में मार ना खाते। हमें पता होता, हमें जो परेशानी आएगी, वबा आएगी, बीमारी आएगी, तकलीफ़ आएगी, कोई हमें सताएगा, दुख देगा, हमें तो तंग करेगा, वो दुनियावी हालात हों, वो दीनी हालात हों, वो रूहानी हालात हों, जिस्मानी, हम उस रब से गिड़गिड़ा कर उनकी शान के मुताबिक हम अल्लाह से मांगेंगे, हमारे मसले हल हो जाएंगे। अब क्योंकि उनकी बड़ाई का इल्म नहीं है, हम मांगते अपनी हैसियत को देख के हैं। इसलिए अल्लाह से जब भी मांगे ना, अल्लाह की हैसियत, अल्लाह की शान को देख के, अपनी हैसियत को सामने रख के मत मांगे। आप जितने भी गुनाह कर लें, आप जितनी भी नेकियां कर लें, हैं तो अल्लाह के बंदे हम, ऐसे ही है ना। हमारी सारी परेशानियां, हमारी मन की मुरादें, हमारी तकलीफें, बीमारियाँ पूरी ख़त्म तो वहीं से होनी है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। अल्लाह से अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह की ज़ात को सामने रख के मांगे। मेरे आपके लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए नहीं है। अब यहाँ पर जो है बहन भाई, वो मांगते हैं वीज़े, ठीक है, अल्लाह से मांग रही है, कोई उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह से, अल्लाह की रज़ा मांग लो यार, सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा। पूरी दुनिया में मिल गई, पूरी दुनिया के ख़जाने मिल गए, जायदादें मिल गई, वजारतें मिल गई, कारोबार मिल गए, नौकर चाकर, बीवियां, बच्चे, सब कुछ मिल गया, सल्तनतें मिल गई,
अल्लाह ना मिले तो सिफर, कुछ नहीं मिला, और कुछ भी ना मिला हमें, कुछ भी ना मिला, दुनिया के कोई चीज़ ना मिली, कुछ भी ना मिला, और अल्लाह मिल गए तो कामयाब। तो अल्लाह से अल्लाह की रज़ा मांगो। अल्लाह जब राज़ी हो गए ना, आपको नौकरियां नहीं करनी पड़ेंगी, याद रखो। अब यहाँ किसी बहन ने कहा मेरे लिए सरकारी नौकरी की दुआ करो, देखो अपनी हैसियत को सामने रख के मांगा ना हमने, अल्लाह की शान को सामने रख के मांगते तो हम कहते अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुझे इज्जतों से, आफियत से, खैरों से नवाजिए, मुझे दर दर की ठोकरों से, नौकरियों से बचाइए। अल्लाह कैसे शान के मुताबिक बिठा कर खिलाते अल्लाह, क्योंकि हम अपनी हैसियत को देखते हैं फिर मांगते हैं। नहीं ऐसे नहीं यार, मैं आपको हिंट दे रहा, क्लू दे रहा हूँ आपको अल्लाह से मांगने का। बेहतरीन भाई अल्लाह हैं। अल्लाह पाक के खजानों के बारे में मालूमात तो करो यार, मालूम तो करो अल्लाह की बड़ाई के मामले में। मैं अक्सर अपने भाइयों से, बहनों से कहा करता हूँ, अक्सर आपके मोहल्ले का थर्ड क्लास का कोई काउंसलर होना और एक आम से चपड़ासी आके उसकी तारीफ़ों के पुल बांध देना, आपकी आंखों में, आपकी नज़रों में उसकी इज़्ज़त इतनी बड़ी होती है, और इतना एहतराम और तआज़ीम, और उस पर इतना यकीन करते हो कि यार इसके बारे में बहुत सुना है। आम सा काउंसलर, और हमें अगर सही इंट्रोडक्शन, तारुफ नहीं हुआ तो किसका? अल्लाह की ज़ात का नहीं हुआ, जो कि सारे। मैं एक दफ़ा मेरे हज़रत शेख मौलाना हसन अहमद मुजहरी रहमतुल्लाह ने, जिनसे मैंने कुरान पढ़ा, तो उनको मैंने कहा कि वो तो अल्लाह के बारे में कहा, अल्लाह तो सारे बादशाहों के बादशाह हैं। तो उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में मुझे सही किया, कहते हो बादशाहों के बादशाह नहीं है, बादशाहों के खालिक हैं। वर्ड को समझें, बादशाहों को तख्लीक करने वाले, बनाने वाले, कितनी प्यारी बात की उन्होंने। बादशाहों के बादशाह नहीं है, बादशाहों के खालिक हैं, ये तख्लीक करती हैं, बादशाह बनाते ये हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक से ताल्लुक़ पैदा करें, और ताल्लुक़ पैदा होगा मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ और दोस्तों, अल्लाह पाक से ताल्लुक़ पैदा होगा अल्लाह की बड़ाई को बयान करके, अल्लाह की बड़ाई के बारे में जान के। इल्म हर चीज़ के बारे में हमें इल्म है, अगर नहीं इल्म तो अल्लाह की बड़ाई का इल्म नहीं है। बहुत अफसोस होता है, बहुत, किसी बड़े आदमी के सामने जाती है ना इंटरव्यू के लिए, पैंट टाई कोट हर चीज़ मैचिंग, परफ्यूम ये वो, टिप टॉप होके, और मस्जिद में आएंगे कैसे बगैर टोपी के? अल्लाह की बड़ाई का नहीं पता, ऐसे गंदे कपड़े किचन से निकल के आ जाएंगे, अल्लाह की बड़ाई का इल्म नहीं है। और फिर हम ऐसे ही मांगेंगे अल्लाह नौकरी लगा दे, ऐसे ही है ना। देखो खफा मत होना मेरे भाई और मेरी बहनों, ये मैं देखिए मेरा आपसे कोई ना रिश्तेदारी है ना कोई ताल्लुक, कोई मैं आपसे कोई चंदा थोड़ी लेने आया हूँ यहाँ पर, सोचें हाँ। सिर्फ मामला किस चीज़ का? इंसानियत का, इंसानियत का मामला। हाँ भाई क्या ख्याल है? देखें आज तो भाई इतना प्यारा टॉपिक अल्लाह ने इस प्यारी मकाम पर दिल में डाला, कि मैं तैयारी नहीं करके आया ना, मेरे पास कोई किताब शिताब, मैं सही बताऊँ अल्लाह दिल में डाल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तासीद बन के आया हूँ अल्लाह का, मेरी अपनी सलाह हो जाए, असल में मुझे मेरी अपनी सलाह चाहिए, मकसद है मेरी सलाह हो जाए। तो दुआ की बात चल रही है, मैं आप लोगों की दुआएँ पढ़ता हूँ ना, जब आप यहाँ दुआएँ लिख रहे होते हो बाहर, मैन में कहीं मक्का में हो या मदीना में, तो मैं ताज्जुब करने लगता हूँ, यकीन की बिलीव मी, मैं कहता हूँ यार बेचारे ये मेरे बहन भाई जो हैं मेरे समेत, मैं भी नहीं, मैं से मैं भी, हम अल्लाह की बड़ाई को समझे नहीं हैं,
हम जब भी मांगते हैं अपनी औकात और हैसियत को देख के मांगते हैं, अल्लाह की शान को देख के नहीं मांगते। यही वजह हमारे मामले रुके हुए हैं। ठीक है ना? तो मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? आपको आपके मुल्क का किंग, किंग आपके मुल्क में जो भी होता है, वज़ीर आज़म है, सदर है, प्रेसिडेंट जो भी है, बट टुट पुंजे ही होते हैं सारे। बट टुट पुंजे इसलिए, जिसको लालच और हिर्स है वो आपको क्या देगा? सोचो तो सही। चलो खैर, उसने ऐलान किया हो मुझसे मांगो, आप जाकर अपनी हैसियत को देख के मांग रहे हो, और कुछ समझदार होगा वो क्या कहेगा, बादशाह सलामत मुझे सल्तनत दे दो, सब भी दे दो। या कोई इससे भी ज़्यादा समझदार होगा वो क्या कहेगा, इससे भी ज़्यादा समझदार, बादशाह सलामत आप मुझे दोस्त बना के अपने पास रख लो और मेरे दोस्त बन जाओ, ये सबसे समझदार आदमी। दो जी दोस्ती होगी तो क्या ख्याल है, बादशाह से दोस्ती होगी तो क्या होगा भाई? अब सल्तनत भी उसकी है, खजाने भी उसके, जायदादें भी उसकी, भाई बादशाह से दोस्ती कर ली, बड़ा तेज था, इसने साइकिल, इसने नौकरी, इसने गाड़ियाँ, इसने बंगला, इसने ये कुछ नहीं मांगा, बड़ी ज़बरदस्त बात की अल्लाह के, बादशाह सलामत आप मेरे दोस्त बन जाएं, मुझे दोस्त बना लें पक्के वाला। तो उसने बादशाह की हैसियत को देख के मांगा, बादशाह की शान, बादशाह से कभी भी नहीं कहेगा तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे मांगने की, अगर कहेगा तो बादशाह को कहेगा बादशाह सलामत आपने खुद कहा था आज जो मांगो दूंगा मैं, तो आपकी हैसियत को देख के मांगा, आपकी शान। बादशाह खुश हो जाएगा, इसकी बादशाह से दोस्ती होगी तो क्या होगा, सब कुछ इसके, क्या ख्याल है? बादशाह के नीचे वजीर सारे इसके, बादशाह के खजाने जायदादें इसकी, बादशाह के रियाया इसकी, बादशाह के मुल्क उसमें घोड़े गाड़ियाँ बंगले सब 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 इसके। हाँ हम अगर अल्लाह पाक से अल्लाह को मांग लें, क्या ख्याल है, अल्लाह आप हमारे दोस्त बन जाइए, हमसे राजी हो जाइए, आप बताएं सारे मसले हल या नहीं? मसले हल हो गए ना, ये है अल्लाह पाक से अपने मसले हल करवाने की जबरदस्त दुआ, अल्लाह आप हमारे बन जाइए, हमें अपना बना लीजिए, आप हमसे राजी हो जाए अल्लाह। हाँ कोई तो ऐसा दिन हो हम हर ख्वाहिश को एक तरफ रख के, हर परेशानी को एक तरफ करके, मैं कहता हूँ तकलीफ को भी मांगना उन्हीं से है, किन से? अल्लाह से, वही तो है हमारा सब कुछ, हमारा सब कुछ है या अल्लाह, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, आप सब कुछ, आपका सब कुछ, वही तो है हमारा सब कुछ। तो हम अपनी हर चीज़ को, मंशा अपनी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, अपनी चाहतों को, विशेष को एक तरफ, ख्वाहिशात को एक तरफ करके हम कहें अल्लाह आप हमारे बन जाएं, हमें अपना बना लें। किसी एक दिन में एक घंटा तो करें, चलो यार एक घंटा नहीं 15 मिनट तो ये मांगें, अल्लाह से अल्लाह को मांगो भाई, आपको हर सब कुछ मिल जाएगा। मैंने मिसाल दे दी इसलिए आपको, अगर गलत कह रहा हूँ मुझे सही कीजिए, ओके माफ़ कीजिएगा, खफा ना होइएगा, मैंने आपसे इसलिए कहा, मेरी आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है ना, मैं कोई किसी मकसद के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए यहाँ पर आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी दुआएं रोकी हुई हैं, मैं दुआ नहीं कर रहा, आपसे बात कर रहा हूँ, अल्लाह के बोल बोल रहा हूँ, अल्लाह ही के हुक्म से है, क्या पता मेरी बात किसी के दिल में घर कर जाए मेरे समेत। हाँ आपने फरमाया कि तुम्हारी वजह से किसी का हिदायत को पा जाना सुर्ख ऊँटों से बेहतर है, सुर्ख ऊँट, अरब में सुर्ख ऊँटों की बड़ी वैल्यू थी उस वक्त, जैसे आपके आज BM और मर्सिडीज गाड़ियाँ होती हैं, इनसे अफजल है। तो भाई मेरी वजह से मेरी खुद इस्लाह हो जाए, मेरे बहन भाइयों की हो जाए, इससे बढ़कर क्या कामयाबी है बताओ?
बिस्मिल्लाह। काफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़ सक रहा, तो बस जो भी जो लिख रहे हैं ना उनकी दुआओं पे आमीन, जो जो भी लिख रहे हैं। चले आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, कहा सुना माफ़, मेरी कोई बात बुरी लगी हो भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरी सेहत ईमान हिदायत तकवा की खुसूसी दुआ आसिफ मलिक नाम है मेरा, तो नाम याद रखिएगा और दुआओं में ख़ास याद रखना अपने, और हो सके 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के आप सल्लम आफ के आपको साल सौना मत मिलेगा। बहुत जल्द आपका भाई हर मैन शरफैन में से जब अल्लाह ने चांस दिया दोबारा लाइव आकर आपसे बात करेगा। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।